देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर बढ़ते हुए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर वैश्विक महामारी कोरोना ने देश विदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जिस कारण भारत देश में सभी संस्थान तथा सभी कॉलेज एवं स्कूल बंद किए हुए हैं। स्पीक मेके सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ द्वारा स्पीक अनुभव कार्यक्रम का आयोजन 21 जून से लेकर 27 जून तक किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्पीक मेके पंकज मल्होत्रा ने बताया कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम में स्पीक मेके विश्व भर के स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आमंत्रित कर रहा है। कोविड 19 महामारी से आई निराशा और घर पर ही रहकर व्यस्त रहने की कोशिश से हम सभी जूझ रहे हैं। एनबीडी से शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। स्पीक मेके का एक प्रयास है जो हम बच्चों के अंदर अपनी संस्कृति को जोड़ने का कार्य हम काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान हमने एक डिजिटल प्रयास किया था, जिसका हमने अनुभव कार्य श्रृंखला का नाम दिया था, जिसमें लगभग पूरे देश भर से 50,000 युवाओं ने भागीदारी की थी और लगभग 200 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। उसी श्रृंखला को चालू रखते हुए हमने इस वर्ष अनुभव श्रृंखला 2 का शुभारंभ जो है हम 21 जून से करने जा रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है। इस दौरान हमारे साथ लगभग पूरे देश से 100 से ज़्यादा कलाकार जुड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पूरे विश्व भर से हमारे साथ कुछ 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो होंगे वो भागीदारी करेंगे। इसमें हमारे साथ विश्व स्तरीय कलाकार जैसे उस्ताद अमजद अली खान जी हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, वेंकटेश कुमार जी, शबाना आजमी जी, जावेद अख्तर जी, इस तरह से कलाकार हमारे साथ भागीदारी करेंगे और बच्चों से अपना इंटरेक्शन करके उनको अपनी कला से जागरूक करने का प्रयास करेंगे। ये विशेष आयोजन खासतौर पर युवाओं को जो हमारा कोरोना का ये समय गुजरा है उससे उभारने के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, जिसमें कि ना केवल हमारे प्रदेश के बल्कि विदेश के कई वॉलंटियर्स के अंदर सहभागिता कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपनी जगह से इसके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से ये कार्यक्रम सहारनपुर के लिए गर्व की बात है कि हमें यह कार्यक्रम यहाँ से निर्देशित करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि जय शर्मा जी जो अभी बोल रहे थे, वो इस कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के संयोजक हैं और मैं उपाध्यक्ष के रूप में इन सभी गतिविधियों के ऊपर निगरानी रखूँगा। तो हमें उम्मीद है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार कार्यक्रम जो रहेगा युवाओं के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा और देश विदेश से बहुत सारे युवा इसमें जुड़ेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। खासतौर पर ये आयोजन विश्व योग दिवस के लिए रखा गया है, क्योंकि हमारी जो शास्त्रीय कलाएं हैं उस सभी में योग समाहित रहता है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, शास्त्रीय नृत्य हो, शिल्प हो, उन सभी के अंदर योग की परंपरा हमारी जो सालों की चली आ रही है वो उसके अंदर है। तो उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम का लाभ देश ना सही बल्कि विदेश के कई छात्र जुड़ेंगे और अभी हमारे पास लगातार इसके लिए आवेदन आ रहे हैं। 17 तारीख तक है ये आवेदन, तो आप सभी के माध्यम से हमें चाहेंगे जितने अधिक से अधिक लोग इसके अंदर प्रतिभागिता कर सकें। धन्यवाद।